दोस्तों, अगर आप भी अग्नि भर्ती परीक्षा में जाना चाहते हैं तो आपने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अब आपकी अच्छी तैयारी के लिए मैं अग्नि भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। ये प्रश्न इस प्रकार है। हर प्रश्न के लिए आपको मैं चार ऑप्शन दूंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्निपथ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामलों का मंत्रालय। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। अग्निपथ योजना का संबंध भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना के तहत देश की सेना में युवाओं की भर्ती की जाएगी? भारतीय थल सेना की, भारतीय वायु सेना की, भारतीय नौसेना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सेनाओं की। अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं की भर्ती की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार वर्ष। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए भी काफ़ी सवाल उठाए गए हैं कि अग्निवीरों को केवल चार वर्ष के लिए ही भर्ती क्यों किया जा रहा है और इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सरकार का क्या उद्देश्य रहेगा। तो इस सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा? चार ऑप्शन से हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5 से 21 वर्ष। दोस्तों, अगर ऑप्शन में अगर आ जाए कि 17.5 से 23 वर्ष तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रथम वर्ष के लिए अग्निपथ योजना की ऊपरी सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 वर्ष। दोस्तों, अगर ऑप्शन में 17.5 से 23 वर्ष भी आ जाए तो वो भी सही है, और अगर 17.5 से 21 वर्ष अगर आ जाए तो वो भी सही है। दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार ने प्रथम वर्ष के लिए अग्निपथ योजना की ऊपरी सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को क्या कहा जाएगा? ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्निवीर। अग्निपथ भर्ती योजना में भर्ती होने वाले वीरों क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना के तहत पहले वर्ष कितने अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46,000। प्रतिवर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। 10% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियां का कितने प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित दिया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। नेक्स्ट, 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को किस पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा? तो किस पैकेज के तहत किया जाएगा? आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवानिधि पैकेज। सेवानिधि के अंतर्गत अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा 4 साल पूरे होने के बाद। नेक्स्ट, अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए कितनी राशि का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? दोस्तों, हालांकि सरकार अग्निवीरों के लिए काफ़ी
सुविधा दे रही है, अग्निवीरों को काफ़ी सुविधा दे रही है। दोस्तों इन 4 सालों में सरकार अग्निवीरों को कई योजनाओं का लाभ देने वाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 लाख रुपए। नेक्स्ट, अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? ये क्वेश्चन सभी वेरी आईएमपी हैं, आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्ष। नेक्स्ट, अग्निपथ भर्ती परीक्षा में रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से होगा? अग्निपथ भर्ती परीक्षा में रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से किया जाएगा? ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑनलाइन माध्यम से। अग्निपथ भर्ती परीक्षा में आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अग्निवीरों की पोस्टिंग कहाँ की जाएगी? दोस्तों ये प्रश्न भी आपके मन में काफ़ी बार आया होगा कि अग्निपथ भर्ती परीक्षा में हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, क्या सीमा पर होगी, देश के अंदर होगी, क्या जिला लेवल पर होगी, स्टेट लेवल पर होगी, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, देश के बाहर होगी, अंदर होगी, या बॉर्डर पर होगी? तो जान लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आप अभी तक Study.6 चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप Study.6 चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको अग्निपथ भर्ती परीक्षा के बारे में हर नए नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों अग्निपथ भर्ती परीक्षा से जुड़ी जो भी जानकारी होगी उसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले इन वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा।